नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हम गद्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं और आधुनिक काल में जब गद्य की विभिन्न विधाएं आई, कविता के क्षेत्र में परिवर्तन आया विषय की दृष्टि से, शिल्प रचना विधान की दृष्टि से, तो आलोचना में भी अंतर आया। और आलोचना जगत में मध्यकालीन का साहित्य को लेकर एक अलग दृष्टि दिखाई देती है और आधुनिक काल में एक भिन्न दृष्टि दिखाई देती है। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर चर्चा करेंगे। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का प्रारंभ हो चुका था, आलोचना की एक उर्वर भूमि तैयार हो चुकी थी, जिसमें पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि ने हिंदी आलोचना का प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने मध्यकालीन कविता का, रीतिकालीन कविता की आलोचना की थी, उनके गुण दोषों की परख की थी। फिर आधुनिक काल में जब विषय परिवर्तन हुए, नवीन विषय आए युगीन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का युग था और उस समय सर्वप्रथम आलोचना के क्षेत्र में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने नाटक नाम से एक आलोचना परक रचना की। उसके पश्चात हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी एक नैतिकतावादी दृष्टिकोण को लेकर के आलोचना करते हैं, अन्य भी आलोचक हुए, परंतु सभी आलोचना के क्षेत्र में शिखर पुरुष के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक अलग ही स्थान है। यद्यपि इनके समकालीन बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास आदि भी आलोचना के क्षेत्र में आगे आ रहे थे, परंतु जैसे उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का स्थान माना जाता है, उनको धुरी में रखा जाता है, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद को केंद्र में रखते हुए या कविता के क्षेत्र में छायावादी कविता को केंद्र में रखते हुए उनसे पूर्व और उनसे परवर्ती, इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। ऐसे ही आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल पूर्ववर्ती आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना, इस तरह से तीन वर्ग वर्गीकृत किए जाते हैं। और आचार्य शुक्ल उन में एक केंद्रीय बिंदु रहे, पूरे आलोचना जगत की केंद्रीयता में आचार्य शुक्ल आते हैं और इन्हें हिंदी समालोचना के शिखर पुरुष के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के अधिकृत आचार्य रहे, स्वतंत्र चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, मनोविज्ञान, दर्शन, विज्ञान, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र, इनके एक अध्येता रहे, गहन गंभीर अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा जब हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ तैयार हो रहा था, तो उसकी भूमिका के रूप में इन्होंने इतिहास ग्रंथ की रचना की, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में इनका लेखन हमें दिखाई देता है। इनकी पहली कविता प्रारंभ इन्होंने कविता लेखन से ही किया था, आनंद कदम्बिनी में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य जगत में कहानी के क्षेत्र में प्रारंभिक चार कहानियों में इनकी कहानी गिनी जाती है और कुछ विद्वान तो इसे पहली हिंदी की कहानी मानते हैं। फिर 1919 में मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह से इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और तब इन्होंने देखा कि हिंदी साहित्य में पुस्तकों का बड़ा अभाव है, समीक्षा तो नाम मात्र की ही थी, तो हिंदी अध्ययन अध्यापन की एक बड़ी समस्या आई। पर इन्होंने उस समस्या को
एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, एक चुनौती के रूप में ग्रहण किया, और इस तरह से स्वयं रचनाओं का संपादन किया, अनेक रचनाओं का संपादन किया, इतिहास ग्रंथ की रचना की, कोश ग्रंथ की रचना की, और साथ ही जो पाश्चात्य समीक्षा जगत की पुस्तकें थी, प्रसिद्ध पुस्तकें थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया, ताकि हिंदी में रचना करने वाले जो लेखक हैं या जो पाठक अध्येता वर्ग है, उनको हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से अनुवाद के क्षेत्र में, इतिहास लेखन के रूप में, कोशकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक विशेष पहचान रखते ही हैं, और समालोचना के क्षेत्र में तो इन्होंने एक अलग आयाम प्रस्तुत किया, एक अलग दिशा दी समीक्षा को। इससे पूर्व संस्कृत में हमारा समीक्षा शास्त्र है, साहित्य चिंतन रहा, भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक की पूरी एक लंबी परंपरा मिलती है, जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, शब्द शक्तियों आदि को लेकर के गहन चिंतन मनन हुआ। फिर देश संस्कृत का आचार्यों द्वारा किया गया साहित्य चिंतन था, और दूसरी ओर इन्होंने पाश्चात्य विचारकों का, पाश्चात्य चिंतकों के विचार जाने, और फिर दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों में एक तटस्थ दृष्टि रखते हुए और युगीन संदर्भ में इन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा प्रारंभ की। साहित्य की जगत में ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई। इनकी जो प्रसिद्ध समीक्षा परक रचनाएं हैं, निबंध के रूप में, भूमिका के रूप में, वह चिंतामणि भाग एक भाग दो में प्रकाशित हुई, उसके पश्चात भाग तीन भी आया, जिसमें इनके समीक्षा परक निबंधों का संग्रह मिलता है। चिंतामणि जो इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह रही है, दो भागों में, मूलतः शुक्ल जी के समय ही प्रकाशित हुआ था। और सैद्धांतिक समीक्षा को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, रस मीमांसा, जिसमें परंपरा एवं आधुनिकता के निकष पर काव्य के प्रतिमान स्थापित करने का एक अभूतपूर्व प्रयास शुक्ल जी द्वारा किया गया। बड़ा गहन चिंतन मनन है इसमें, एक गंभीर दृष्टि रखते हुए और परंपरा को भी साथ में लेते हुए, और पाश्चात्य चिंतन परंपरा को भी लेते हुए, और हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल आने पर जो नवीन विषय, वर्ण विषय नवीन आए, नवीन रचना विधान शैली की दृष्टि से जो परिवर्तन आए, तो इस आधुनिकता के निकष पर काव्य के उन्होंने प्रतिमान जो स्थापित की है, ये हिंदी साहित्य जगत की एक समृद्ध संपदा के रूप में हम देखते हैं। और काव्य चिंतन के भी विभिन्न विषयों को आधार बनाया, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य और प्रकृति, प्रत्यक्षानुभूति एवं रसानुभूति, तो इन विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए इन्होंने इन साहित्यिक बिंदुओं पर गहन चिंतन मनन करके एक नवीन दृष्टि प्रदान की। शुक्ल जी ने रस और अलंकार को नवीन मनोवैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊंची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया। रस और अलंकार को उच्चतर जीवन सौंदर्य का पर्याय बनाकर हिंदी साहित्य में काव्य चिंतन के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति का व्यवहार किया। आज भरत मुनि जी से रस की परंपरा शुरू होती है, और फिर अलंकार की, वक्रोक्ति की, ध्वनि की, विभिन्न हम वादों को, विभिन्न सिद्धांतों को, उनके प्रवर्तकों के विचारों को, उनके शास्त्रार्थ को हम देखते हैं संस्कृत में। परंतु उसका
काव्य शास्त्रीय दृष्टि से तो शुक्ल जी ने अध्ययन किया ही, परंतु उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऊंची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया। रस को, अलंकार को मनोविज्ञान और समाज से जोड़ते हुए एक नवीन अर्थ सत्ता प्रदान की। और रस और अलंकार केवल काव्य के सौंदर्य विधायक ही नहीं रहे, केवल काव्य के बहिरंग पक्ष को बढ़ाने के लिए, उसकी सौंदर्य वृद्धि के लिए ही नहीं है, उसे उन्होंने जीवन सौंदर्य का पर्याय बना करके और हिंदी साहित्य में एक नवीन पद्धति का व्यवहार किया। शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा भी की है और व्यावहारिक समीक्षा भी की है। सैद्धांतिक समीक्षा में उन्होंने जो साहित्य के विभिन्न प्रतिमान हैं, रस, अलंकार, शब्द शक्तियां, भाव, विभाव, साधारणीकरण आदि, इन सब पर चिंतन किया और इन सब के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। और इन्हीं सैद्धांतिक प्रतिमानों को प्राचीन रचनाकारों की कृतियों पर घटित करके भी दिखाया। तो इस तरह से सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं, हम दोनों को भिन्न भिन्न करके नहीं देख सकते। और हिंदी साहित्य में इस तरह से साहित्य समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा का जो प्रारंभ है वे शुक्ल जी से ही माना जाता है। और शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा परक पुस्तक रस मीमांसा लिख करके ना केवल अपने समकालीन समालोचकों का पथ प्रदर्शित किया, अपितु परवर्ती समीक्षकों के लिए भी एक दिशा निर्देश स्थापित किया। शुक्ल जी मूलतः रस सिद्धांत के समर्थक और पोषक रहे हैं। जैसे संस्कृत में एक लंबा शास्त्रार्थ की परंपरा चलती है, कोई रसवादी आचार्य है तो वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, जो अलंकारवादी आचार्य हैं वे अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो ये विवाद संस्कृत काल से ही निरंतर चला आ रहा था। और शुक्ल जी भी रस सिद्धांत के समर्थक हैं, वे रस को काव्य की आत्मा के रूप में मानते हैं। परंतु संस्कृत में जो रस को परिभाषित किया गया, उसका जो स्वरूप बताया गया, वे लोकोत्तर था, वे अलौकिक था। वह रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया कि रस की जो स्थिति है वे ब्रह्मा, जैसे कोई योगी है, कोई साधना कर रहा है और साधना की चरम स्थल पर पहुंचकर उसको जिस आस्वाद की प्राप्ति होती है, वैसा ही आस्वाद कविता पढ़ते हुए या नाटक देखते हुए सहृदय को प्राप्ति होती है। तो इसलिए रसास्वादन को वे ब्रह्मा स्वाद के समकक्ष मानते हैं। परंतु शुक्ल जी रस को उस आध्यात्मिक भूमि से उतारकर एक मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी मनोविकारों के ऊपर निबंध लिखे जो चिंतामणि में संकलित है, करुणा, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, तो उत्साह आदि। तो ये सारे मनोविकारों पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका अध्ययन किया, विश्लेषण किया और रसवाद को भी वर्तमान संदर्भ में एक नवीन अर्थवत्ता प्रदान करते हुए उसे आध्यात्मिक भूमि से नीचे उतार करके मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसी तरह साथ ही शुक्ल जी भाव की, विभाव, रस, इनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। वे पूरी तरह से संस्कृत आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या को नकारते नहीं है, उसका खंडन नहीं करते हैं, उसको सामने रखते हुए उसके समकक्ष वर्तमान संदर्भों को देखते हुए वर्तमान युग के अनुरूप, आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप वे भाव, विभाव, रस, साधारणीकरण आदि की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हम पहले भाव को देखें,
शुक्ल जी के अनुसार भाव क्या है? शुक्ल जी के अनुसार भाव मन की वेग युक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यय बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। तो अनुभूति भी चाहिए, प्रत्यय का बोध जो सामग्री है, जो मुख्य विषय है, उसका बोध, उसका ज्ञान, और उसके साथ आलंबन की अनुभूति और उसकी वेग युक्त प्रवृत्ति। ये तीनों का जो सम्मिश्रण है, इन तीनों का जो गूढ़ संश्लेषण है, वह भाव है। शुक्ल जी ने भाव प्रकृति के तीन अवयव माने हैं: मूल मनोविकार, उसकी आंतरिक प्रक्रिया और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति। जैसे मान लिया करुणा मूल भाव है। अब इस करुणा मूल भाव को लेकर के तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसकी जो आंतरिक छानबीन है, उनकी जो अंतर्वृत्तियों की छानबीन है, वह रामचंद्र शुक्ल करते हैं। तो इस तरह से उसकी आंतरिक प्रक्रिया और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति, उसका रचना विधान, उसका शैल्पिक पक्ष, उसका बहिरंग पक्ष। तो इस तरह से उन्होंने तीन मुख्य अवयव स्वीकार किए हैं। और भाव योग क्या है? व्यक्ति की वैयक्तिक सत्ता के लोक सत्ता में लीन होने की दशा को रस दशा कहते हैं, उसे ही भाव योग भी कहते हैं। तो इस तरह से शुक्ल जी भाव योग और रस दशा को एक ही मानते हैं। और व्यक्ति की वैयक्तिक सत्ता का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वह सत्ता जो वैयक्तिक सत्ता है, जब वे लोक सत्ता में लीन हो जाती है तब वे रस दशा में पहुंचती है। व्यक्तिगत सुख दुख व्यक्तिगत रहता है, परंतु वही जब लोक सत्ता में परिवर्तित हो जाता है तब वे रस रूप में परिणत होता है, उसे ही भाव योग भी कहते हैं। और शुक्ल जी इसी भाव योग को ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष मानते हैं। कि जो गीता में ज्ञान योगी और कर्म योग की बात कही गई है, भाव योग भी उसके समकक्ष ही है, वे उसके बराबर है। इसी तरह से रस को पुनर्व्याख्यायित करते हुए रस के लिए वे कहते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था को शुक्ल जी रस दशा कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं शुक्ल जी की, और अक्सर परीक्षा में इन पंक्तियों के विषय में पूछा जाता है, इनका अभिप्राय पूछा जाता है, किसकी ये पंक्तियां ये पूछा जाता है। तो रस को, जिस रस दशा को या भाव योग को वो ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष मानते हैं, उसी को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब आत्मा अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है वे ज्ञान की स्थिति है, उसी प्रकार हृदय की जब मुक्त अवस्था है वह रस दशा। हृदय सभी प्रकार के विरोधों से, सुख दुख से, ईर्ष्या द्वेष से, मित्रता शत्रुता से, सभी प्रकार के द्वंद्वों से जब हृदय पूर्णतया मुक्त हो जाता है तब वह स्थिति रस दशा कहलाती है। मुक्त से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिबद्ध दशा से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर जा पहुंचना, यही है व्यक्ति हृदय का लोक हृदय में तल्लीन हो जाना। जैसे हम कोई नाटक पढ़ रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, क्योंकि नाटक दृश्य विधा है, और सहृदय जब उस नाटक को देखता है तो वह उन पात्रों के सुख दुख को स्वयं अनुभव करने लगता है। यह जब पात्र भी उस अभिनय में पहुंचता है तो वे अभिनय में इतना तल्लीन हो जाता है कि वे व्यक्तिगत दशा से ऊपर उठ करके लोक सामान्य भाव भूमि पर पहुंच जाता है, और यही व्यक्ति हृदय का लोक हृदय में तल्लीन हो जाना, ये मुक्तावस्था है। और उस समय सहृदय पाठक या दर्शक
नाटक को देखते हुए या पढ़ते हुए ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने परिवेश का ध्यान तक नहीं रहता है। वे अपने सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और उस पात्र विशेष के सुख दुख में उसकी अनुभूति से समानुभूति करने लगता है। और इस तल्लीनता की अनुभूति, इस तल्लीनता की स्थिति और अनुभूति का नाम ही रस है। तो इस तरह से रस कोई लोकोत्तर अवस्था नहीं है, कोई अलौकिक नहीं है, वे एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब मन, हृदय का मन पूर्णतया आलंबन के साथ एक रूप हो जाता है, जब समानुभूति हो जाती है, उसी का नाम रस है। इस तरह से शुक्ल जी ने रस सिद्धांत को सामाजिकता एवं कर्मठता से जोड़कर उसे प्रवृत्ति मार्ग का सिद्धांत माना है। रस सिद्धांत को वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लोक मंगल के रूप में देखते हैं। रस के स्वरूप को वो लौकिक बताते हैं, अलौकिक या लोकोत्तर या ब्रह्मा स्वाद सहोदर सदृश नहीं बताते, वे उसको आध्यात्मिक नहीं बताते, रस को वो पूर्णतया लौकिक मानते हैं। इसी तरह से साधारणीकरण, अब साधारणीकरण के विषय में संस्कृत काव्य शास्त्र में पर्याप्त चिंतन मनन हुआ। आचार्य भरत मुनि से लेकर विश्वनाथ तक, जगन्नाथ तक, सबने साधारणीकरण पर चिंतन किया। उसको देखते हुए और पाश्चात्य दृष्टि को देखते हुए वर्तमान संदर्भ में शुक्ल जी जो हैं वे साधारणीकरण को एक नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वे सामान्यता सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। अर्थात सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं के बीच में मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय की लीन होने की दशा का नाम ही साधारणीकरण कहलाता है। तो इस तरह से लोक हृदय की पहचान कवि की एक अनिवार्य शर्त है। जो कवि जितना अधिक लोक हृदय को पहचानता है, उसकी रचना उतनी अधिक समाज में श्रेयस्कर मानी जाती है, उतनी अधिक सहृदय के द्वारा वे सराही जाती है। तो रचना का जो संसार है, वे समाज का संसार कैसे बने जब वे लोक हृदय में लीन होने की उसमें विशेषता है, उसमें वे गुण है, तभी वो स्थिति साधारणीकरण कहलाती है। तो इस तरह से शुक्ल जी ने रस भाव, भाव योग, रस दशा, साधारणीकरण आदि विषयों को विस्तार से समझाते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए रस मीमांसा में एक नवीन प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया। और साधारणीकरण की स्थिति में कवि तथा पाठक के बीच जो द्वैत भाव है वे समाप्त हो जाता है। जो कवि की अनुभूति है वही पाठक की अनुभूति बन जाती है, दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। कवि का मन सबका मन और कवि की अनुभूति सभी की अनुभूति बन जाती है। जैसे अभी मैंने कहा था कि नाटक देखते हुए जब सहृदय दर्शक उस नाटक में पूरी तरह से खो जाता है, तो वो जो कवि की अनुभूति है वे उस सहृदय की अनुभूति बन जाती है। और इसी स्थिति को शुक्ल जी साधारणीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों, जो शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा की, उनकी क्या मूलभूत विशेषताएं रही। शुक्ल जी ने पारंपरिक काव्य चिंतन को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि एवं पाश्चात्य काव्य चिंतन के संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित करके
समृद्ध एवं प्रासंगिक बनाया। जब तक उसे हम प्रासंगिक नहीं बनाएंगे तब तक सहृदय पाठक उसके साथ नहीं जोड़ सकता। और शुक्ल जी की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि रही और उन्होंने जो परंपरा से काव्य चिंतन प्राप्त हुआ उस चिंतन को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से युक्त करके उसकी पुनर्व्याख्या करते हुए उसे वर्तमान के संदर्भ में प्रासंगिक बनाया। पारंपरिक रसवादी विवेचन को लोक मंगल के आदर्शवादी उच्च भाव भूमि से समृद्ध किया। इसीलिए जब आचार्य शुक्ल जी ने सैद्धांतिक विवेचन किया, रस को लोक मंगल के साथ जोड़ा, तो परवर्ती जितने भी आलोचना हुई उन्होंने प्रत्येक रचनाकार की भाव भूमि को लोक मंगल के स्तर पर, लोक मंगल के निकष पर परखने का प्रयास किया। केवल गुण दोषों तक ही दृष्टि सीमित नहीं रही। और इसी तरह से शुक्ल जी पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा के स्वतंत्र प्रतिमान को विकसित किया और उसकी प्रासंगिकता को व्यावहारिक साहित्य पर सिद्ध करते हुए आगे बढ़ाया है। व्यावहारिक साहित्य पर कालिदास के, वाल्मीकि के, भवभूति के, तुलसीदास के, जायसी सूर आदि की रचनाओं पर अपने साहित्यिक प्रतिमानों को घटित करते हुए, उसको सिद्ध करते हुए आगे बढ़ाया है। शुक्ल जी ने हिंदी में मौलिक समीक्षा शास्त्र की नींव रखी और उसे दृढ़ आधार प्रदान किया। इससे पहले हिंदी में हमें समीक्षा शास्त्र नहीं मिलता है। रीतिकाल में जो रीतिकालीन आचार्य कवियों ने, केशव ने, कृपाराम ने, मतीराम ने, चिंतामणि आदि ने जो समीक्षा शास्त्रों की रचना की वे संस्कृत का उल्था मात्र था, संस्कृत का अनुवाद था, उनकी मौलिकता नहीं थी। शुक्ल जी ने पहली हिंदी में मौलिक समीक्षा शास्त्र की नींव रखी है। शुक्ल जी ने साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतया मुक्त करते हुए रस जैसे वैयक्तिक तत्व को लोक मंगल से जोड़कर उसके भीतर निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। इस तरह से उन्होंने साहित्य समीक्षा को सामाजिकता के साथ जोड़ा, कर्मठता के साथ जोड़ा। तो इस तरह से मित्रों साहित्य जगत में सैद्धांतिक समीक्षा का प्रारंभ शुक्ल जी द्वारा हुआ। तो अभी हमने उनकी सैद्धांतिक पक्ष के विषय में चर्चा की है। शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा को लेकर हम अपना अगला व्याख्यान रखेंगे। धन्यवाद।